हमारे हेयर केयर रूटीन है। सो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हेयर फॉल क्यों होता है। तो सम ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ हेयर फॉल आर लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सेसिव स्ट्रेस, पुअर ब्लड सर्कुलेशन एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशन। सो गाइस आयुर्वेद में एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वाइटल औषधि है जिसका नाम है केशराज, जिसको कहते हैं किंग ऑफ हेयर्स, जिसको हम भृंगराज भी कहते हैं। ये हमारे बालों के हेल्थ के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट औषधि होती है। इसके अलावा गाइस बहुत सारी ऐसी औषधि होती हैं जैसे कि सत्व सुलझा, आंवला, वर्जिन कोकोनट ऑयल। इन सभी औषधि जो होती है हमारे बालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट फूड होती है, इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन होती है, जो कि हमारे बालों को समय समय पर मिलना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। सो गाइस सवाल ये उठता है कि ये सारी औषधि हमें एक साथ कहाँ से मिलने वाली है। सो गाइस इसके लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ एक आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, जो कि नॉर्मल हेयर ऑयल से थोड़ा डिफरेंट होता है। एंड वो हेयर ऑयल है गाइज, यहाँ पर मेरे पास है इंदुलेखा का भृंगराज आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। गाइज ये एक आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है, ये नॉर्मल हेयर ऑयल से काफी डिफरेंट होता है। और सर इसमें आपको यहाँ पर कैटलॉग भी मिलता है। गाइज इसमें बताया गया है कि इसमें कौन कौन से उन्होंने हर्ब्स इस्तेमाल किए हैं। इसमें उन्होंने इस्तेमाल किया है भृंगराज। भृंगराज इज नोन फॉर हेयर ग्रोथ, प्रिवेंट्स हेयर फॉल, स्ट्रेंथन्स हेयर रूट्स एंड स्टॉप्स प्री मेच्योर गेयरिंग। तो जो भृंगराज होता है वो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है, आपके हेयर की रूट्स को स्ट्रेंथन करता है एंड प्री मेच्योर ग्रोइंग मतलब समय से पहले बालों के सफेद हो जाने को भी खत्म करने में हेल्प करता है। इसके गाइस इसमें इसके अलावा होता है श्वेत कुटजा, जो कि अपनी एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी डेंड्रफ एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है, और ये आपकी जो स्कैल्प में होने वाली जो डिजीजेस होती हैं उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। गाइस इसके अलावा इस तेल में प्रेजेंट है आंवला, जो कि रिच सोर्स होता है विटामिन सी का। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं एंड ये आपके डेली के बालों के रूखे सूखे बालों को रिपेयर करके उनको स्मूथ और सिल्की बनाता है। इसके अलावा गाइस इसमें मिक्स है वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोकोनट ऑयल होता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड मिनरल्स होते हैं। गाइस इस तेल को बनाने के लिए इन सारी औषधियों को वर्जिन कोकोनट ऑयल में मिक्स किया गया है और उसको 7 दिनों के लिए सूर्य की रोशनी में रखा जाता है, जिससे वो अपना प्रॉपर जो निचोड़ है वो उस तेल में डालती है और उसको हम अपने बालों में लगाते हैं। उससे जो हमारे बाल होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और सिर्फ 1 वीक के अंदर गाइस मैंने अपने हेयर फॉल को काफी हद तक रिड्यूस किया है। सो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इस आयुर्वेदिक हेयर ऑयल को एटलीस्ट एक बार जरूर ट्राई करें, इसका आपको डेफिनेटली असर मिलने वाला है। नाउ गाइस आफ्टर हेयर ऑयल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि रात को जब आप सोते हैं और अगर आपके लॉन्ग हेयर्स हैं तो आपको कभी भी अपने बालों को ओपन करके नहीं सोना है, कभी आपको खुले बालों के साथ नहीं सोना है। आप हमेशा अपने बालों की एक ईजी सिंपल लूज ब्रेड बना के सोएं, जिससे आपके बाल जो होंगे ना वो आपस में उलझेंगे नहीं, और अगर वो उलझेंगे नहीं तो वो टूटेंगे नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो कि हमेशा हम मिस कर देते हैं, उसकी वजह से हमारा हेयरफॉल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। नाउ गाइस हम नेक्स्ट बात करते हैं शैम्पू की। तो यहाँ पर भी मैं एक आयुर्वेदिक शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ और वो आयुर्वेदिक शैम्पू जो है वो है मेरे पास यहाँ पर इंदुलेखा का हेयर क्लेंजर। आप देख सकते हैं मेरे पास 2 रुपए का शैशे है और इसको मैं पिछले 1 हफ्ते से 2 से 3 बार हेयर वॉश कर चुकी हूँ। गाइज ये एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है फॉर हेयर फॉल। गाइज ये काफी अच्छा शैम्पू है और इससे मेरे बाल काफी ज्यादा सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं और इसने भी मेरे हेयर फॉल को काफी हद तक रिड्यूस किया है। मैं हाईली इम्प्रेस हूँ इस इंदुलेखा हेयर ऑयल एंड शैम्पू के यूज से। मैंने इस शैम्पू को गाइज हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल किया है एंड इस हेयर ऑयल को 3 बार ऑयलिंग करी है अपने बालों की। सो गाइज ये है मेरे पास यहाँ पे इंदुलेखा भृंगा हेयर ऑयल। इसका जो कैप होता है वह इस कॉम फॉर्म में आता है और आपको कुछ इस तरीके से इसको यूज करना होता है। तो गाइज इसमें कोकोनट ऑयल है तो सर्दियों के मौसम में ये जम जाता है, तो जब भी आपको इसको इस्तेमाल करना है, आपके हेयर पे इसको अप्लाई करना है, तो आपको आधा घंटा पहले आप इसको धूप में रख दीजिए, जिससे पिघल जाएगा, उसके बाद आप इसको अपने हेयर पे अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज अब हम बात कर लेते हैं कि किस टेम्परेचर के वाटर से हमें अपना हेयर वॉश करना चाहिए। गाइज सो गाइज आइडियली तो हमें रूम टेम्परेचर पे जो वाटर है उससे ही अपना हेयर वॉश करना चाहिए, पर अगर सर्दियों का मौसम है तो आप सिर्फ ल्यूक वार्म मतलब हल्के गर्म पानी से ही अपने हेयर्स को वॉश करिए। आप बहुत ज्यादा गर्म पानी से अपने हेयर्स को वॉश मत करिए, और अगर गर्मियों का मौसम है तो आप रूम टेम्परेचर के वाटर से ही अपने हेयर्स को वॉश करेंगे। और हेयर वॉश करने के बाद गाइज आपको बिल्कुल भी ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करना है। ड्रायर का इस्तेमाल करने से आप
आपके जो स्कैल्प होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं और रफ हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं, तो आपको हमेशा एयर ड्राई करना है अपने हेयर्स को जितना हो सकता है। आप अपने बालों को एयर ड्राई करने की कोशिश करें। और अगर आपके बाल कर्ली हैं, मतलब जो घुघराले बाल होते हैं, अगर आपके वो बाल हैं तो आप सीरम जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं। उस सीरम इस्तेमाल करने से क्या होता है, आपके बाल जो होते हैं वो सुलझ जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पे अगर आप सबसे ज्यादा कॉस्टली सीरम नहीं यूज करना चाहते तो मेरे पास यहाँ पे है लिवॉन के सैशे हैं गाइज। ये काफी अच्छा सीरम होता है, काफी सस्ता होता है, सिर्फ 3 रुपीज के इसके सैशे आते हैं, 3 रुपीज के। सो गाइज, जो होता है काफी अच्छे से आपके हेयर्स को नरिश करता है। इसमें विटामिन ई प्रेजेंट होता है जो कि आपके बालों को स्ट्रेंथन तो करता ही है, आपके बालों को सिल्की स्मूथ बनाता है और आपके बालों में एक नेचुरल शाइन भी लेके आता है गाइज। सो अगर आपके बाल कर्ली हैं तो आप जरूर इस्तेमाल करें इस सीरम को। सो गाइज, ये था मेरा बिल्कुल इजी एंड सिंपल हेयर केयर रूटीन जो कि एक आयुर्वेदिक हेयर केयर रूटीन है। एंड मैं चाहती हूँ कि गाइज आप लोग भी एक बार जरूर मौका दें इस हेयर केयर रूटीन को, इससे आपके हेयर को काफी फायदा होगा, आपके हेयर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे, स्ट्रेंथन होंगे एंड आपके बालों का जो हेयर फॉल है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा गाइज। एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा। एंड अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा।